पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कार्रवाई एक सप्ताह का सूचना उनको प्राप्त है, जानकारी है उनको। जाने की बात ये लोग कर रहे थे। हाँ, स्टे ऑर्डर नहीं आया है, तब तक हम लोग प्रक्रिया करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन, में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के प्रदेश दफ्तर को खाली करना होगा, ये आदेश भवन निर्माण विभाग के द्वारा दिया गया है। और अभी हम पशुपति कुमार पारस के प्रदेश दफ्तर है जो पार्टी के, वहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पटना, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उनके पार्टी के प्रदेश दफ्तर के। पशुपति कुमार पारस को ये आदेश दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर वो पार्टी कार्यालय खाली कर दे। भवन निर्माण विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि अगर 7 दिनों के अंदर वो पार्टी दफ्तर खाली नहीं करते हैं तो बलपूर्वक खाली करवाया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के द्वारा ये आदेश दिया गया है। पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, चिराग पासवान उनके भतीजे हैं। लोकसभा चुनाव में पारस को, उनको एक भी सीट नहीं मिला और चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया। अब पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, उन्हें प्रदेश दफ्तर भी खाली करने का आदेश दिया गया है। पहले भी आदेश दिया गया था लेकिन पशुपति कुमार पारस वो खाली नहीं किए थे। फिर से 7 दिनों का उन्हें अल्टीमेटम भवन निर्माण विभाग के द्वारा दिया गया है, अगर वो खाली नहीं करते हैं तो बलपूर्वक खाली करवाया जाएगा। लेकिन पशुपति कुमार पारस के जो नेता हैं वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल भवन निर्माण विभाग के अधिकारी भी हैं वो कह रहे हैं कि 7 दिनों के अल्टीमेटम इन्हें दिया गया है। सबसे पहले वो बाइट सुनवाते हैं तो भवन निर्माण विभाग के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। एक सप्ताह के अंतर्गत खाली कर दिया जाता है, अगर एक सप्ताह के अंतर्गत खाली नहीं किया जाएगा तो बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा, यही नोटिस का सार। क्या नाम हुआ आपका? मिंटर चौधरी। क्या आदेश आया था खाली करने का? भवन निर्माण अगर खाली नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा? बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। इसके पहले नोटिस दिया? हाँ, इसके पहले भी नोटिस दिया गया हुआ। इश्तिहार चिपकाया गया है? हाँ, इश्तिहार चिपकाया गया हुआ। उसको इन लोगों ने हटा? हाँ, हटा दिया गया है, इनके द्वारा हटा दिया गया है। क्या होगा इस पर भी, क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई एक सप्ताह का सूचना उनको प्राप्त है, जानकारी है उनको। जाने की बात ये लोग कर रहे थे। हाँ, स्टे ऑर्डर नहीं आया है, तब तक हम लोग प्रक्रिया करेंगे ना, तो मजिस्ट्रेट बहाल होती है, वो सारा काम प्रक्रिया वो करेगी। अगर खाली नहीं करते तो? हाँ, बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। तो अभी आपने सुना भवन निर्माण विभाग के अधिकारी साफ तौर पर कह रहे थे कि पशुपति कुमार पारस को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, 7 दिनों के अंदर उन्हें खाली करना है, अगर नहीं खाली करवाया गया तो बलपूर्वक खाली करवाया जाएगा। पशुपति कुमार पारस को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, पार्टी के नेताओं के दावा है कि हमें पार्टी दफ्तर मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि हमें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन भवन निर्माण विभाग फिलहाल इन्हें खाली करने का अल्टीमेटम दे रहा है, 7 दिनों के अंदर इन्हें पार्टी दफ्तर खाली करना होगा। लोकसभा चुनाव में भी इन्हें एक भी सीट नहीं मिला, इनके भतीजे को 5 सीट दिया गया। और एक बार फिर पशुपति कुमार पारस को बिहार सरकार के द्वारा झटका लगा है, पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहें इन्फॉर्मेशन के साथ।